नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंदन सैनी और आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया। टीवी टुडे इंडिया में हम अब तक आपको दिखा रहे थे द्वारकाधीश मंदिर की होली, उसी के चलते आज तक यहां डप गायन और रसिया गायन चल रहा था, लेकिन आज से द्वारकाधीश मंदिर में पिचकारी का और टेसू के रंगों का होली खेलना शुरू हो गया। उसी के चलते हम आपको दिखाते हैं आज के द्वारकाधीश मंदिर की खास होली। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंदन सैनी और आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया। टीवी टुडे इंडिया में हम अब तक आपको दिखा रहे थे द्वारकाधीश मंदिर की होली, और अब तक द्वारकाधीश मंदिर में होली के दौरान डप गायन और रसिया गायन चल रहा था और गुलाल उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज से होली के अष्टम शुरू हो गए हैं और यहाँ रंग उड़ना पिचकारी चलना शुरू हो गया। पहले ठाकुर जी को पिचकारी धराई गई थी, उसके बाद भक्तों के साथ ठाकुर जी ने पिचकारी से होली खेली। आज देख सकते हैं ये लोग कैसे रंगों में सराबोर हो रहे हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं कहाँ से आए और किस प्रकार से आनंद उठा रहे हैं। मेरा नाम कीर्ति है। कहाँ से हैं? हम यही लोकल से करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे देख ही रहे आप, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें भगवान के रंग में एकदम रंग गए हम लोग और उनकी भक्ति में आनंदमय हो गए एकदम। यहाँ झूम उठते हैं बस, और हर साल यही हाल आता है होली मनाना। हम ऐसा हर साल आता है, अच्छी होली कहीं नहीं होती है, कहीं पे भी ऐसा कहा जाता है कि सब जगह हो रही जब ब्रज में हो रहा, तो उसका आपको आनंद कैसा लग रहा है यहाँ पे? होली का मतलब है ब्रज की होली, और कहीं की होली नहीं, सिर्फ ब्रज की होली। ब्रज की होली में ऐसा आनंद है जो कहीं पे भी नहीं मिलता। तो और ब्रज की होली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? होली तो जैसे आपने हर जगह की खेली होगी, हर जगह देखा भी होगा, तो ब्रज की होली किस प्रकार की अनोखी लगती है? नहीं, ब्रज की होली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट होली है, और यहाँ पे हम बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत ही होली मनाते हैं। हर साल हम होली, यहाँ हर साल हम होली खेलते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं। और आप भी भाई यही कहेंगे, होली मुबारक। हम सबसे यही कहेंगे कि एक बार ब्रज की होली आके जरूर देखें, यही होली है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी, इनसे भी हम बात करते हैं आज से क्या अलग शुरू हुआ है और किस प्रकार के इनके भाव है। देखिए, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के मंदिरों में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका निर्धारण तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से होता है। आज से प्रारंभ हुए होलकाष्टक, और होलकाष्टक प्रारंभ होने से ही मंदिरों में पिचकारी का प्रयोग शुरू हो जाता है, और इस संप्रदाय में केवल और केवल टेसू के फूल के रंग का प्रयोग होता है। आज ठाकुर जी ने टेसू के फूल के रंगों से होली खेली है, और मान्यता ये है कि ठाकुर जी यमुना जी में होली खेल रहे हैं। तो एक लाइन जो रसिया की है वह है कि यमुना तट आज मची होली, इस प्रकार से रसिया गायन का प्रारंभ हुआ प्रातः 10 बजे से, और इस क्रम में अब डेली पिचकारियों का प्रयोग शुरू हो गया है, और भक्तगण इस क्रम में नित्य प्रति इसका आनंद लेंगे। और 19 तारीख को बगीचा के दर्शन होंगे, 17 तारीख को ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर दर्शन देंगे, और 21 मार्च तक ये क्रम जारी रहेगा। ये थी ब्रज की द्वारकाधीश मंदिर की होली जो कि आपने देखी, और हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे द्वारकाधीश मंदिर की प्रसिद्ध होली। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी टुडे इंडिया मथुरा।
है।